हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं व्हाट इज़ आउटपुट बफरिंग इन पीएचपी। पीएचपी में आउटपुट बफरिंग क्या है, किसे आउटपुट बफरिंग कहा जाता है। इसको समझने से पहले हम दो चीज़ों को और समझेंगे। व्हाट इज़ आउटपुट, हम आउटपुट किसे कह रहे हैं, और व्हाट इज़ बफरिंग, बफरिंग क्या है, हम किसे बफरिंग कह रहे हैं और किसे आउटपुट कह रहे हैं। इन दो टर्म्स को समझने के बाद हम बात करेंगे आउटपुट बफरिंग क्या है पीएचपी में, व्हाट इज़ आउटपुट बफरिंग। तो आउटपुट क्या है, कोई भी डेटा या कंटेंट जो आप ब्राउज़र पर डिस्प्ले होने के लिए भेज रहे हैं उसे आउटपुट कहते हैं। इमेज हो सकती है, डेटा हो सकता है, आप वेब पेज पर जो भी डेटा यूज़र को, जो भी कंटेंट यूज़र को दिखाने के लिए भेज रहे हैं वो सब कुछ आउटपुट है। कोई भी डेटा या कंटेंट जो आप ब्राउज़र पर डिस्प्ले होने के लिए भेज रहे हैं वो आउटपुट है। बफरिंग क्या है, कोई भी कंटेंट जो ब्राउज़र पर आप, कोई भी कंटेंट ब्राउज़र पर भेजने की बजाय उसको मेमोरी लोकेशन में सेव किया जाता है, इसे बफरिंग कहते हैं। बफरिंग मींस किसी डेटा को या किसी कंटेंट को मेमोरी लोकेशन में सेव करना, दैट इज़ कॉल्ड बफरिंग। डेटा को मेमोरी लोकेशन में सेव करना बफरिंग कहलाता है। अब हम समझते हैं आउटपुट बफरिंग। कोई भी डेटा जो आप ब्राउज़र पर एज अ आउटपुट डिस्प्ले होने के लिए भेज रहे हैं उसे ब्राउज़र पर ना भेजकर मेमोरी लोकेशन में सेव करना आउटपुट बफरिंग कहलाता है। ओके, जैसे आप किसी स्ट्रिंग की वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज़ करते हैं, ठीक वैसे ही वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम बफर का यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि हम बफरिंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास अलग अलग सोर्स से डेटा आ रहा है, API से डेटा आ रहा है, डेटाबेस से डेटा आ रहा है, या किसी दूसरी जगह से डेटा आ रहा है, तो इस इनकमिंग डेटा में हम किसी तरह के कोई चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे किसी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या किसी डेटा को ट्रिम करना चाहते हैं, या किसी डेटा के किसी पार्ट्स को हम दिखाना चाहते हैं और कुछ एक पार्ट्स को वेरिएबल में स्टोर करके किसी दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, या इस तरह के और भी कई रीजंस हो सकते हैं। इस जगह पर, इन जगहों पर हम आउटपुट बफरिंग का, इसलिए हम आउटपुट बफरिंग का यूज़ कर रहे हैं। अब बात आती है आउटपुट बफरिंग का यूज़ करने के लिए हमें पीएचपी ने कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। पीएचपी ने आउटपुट बफरिंग पर काम करने के लिए हमें कुछ फंक्शंस दे रखे हैं। हम उन फंक्शंस को आउटपुट कंट्रोल फंक्शन भी कहते हैं, आउटपुट कंट्रोल फंक्शन कहते हैं, और आउटपुट बफरिंग फंक्शन भी कहते हैं। जनरली बोलने में आउटपुट बफरिंग फंक्शन ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला टर्म है, लेकिन जब हम पीएचपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर उन्होंने आउटपुट कंट्रोल फंक्शन के नाम से हमें फंक्शंस दे रखे हैं। इन फंक्शंस की हेल्प से हम बफर में रखे हुए डेटा को कंट्रोल करते हैं। बफर में रखे हुए डेटा कंट्रोल करने का मतलब है कि कोई डेटा आपने बफर में स्टोर कर दिया, तो आप, इसका मतलब ये है कि आप किसी डेटा को बफर में स्टोर कैसे करेंगे, आप बफर में रखे हुए डेटा को रीड कैसे करेंगे, या बफर को आपको खाली करना है तो आप बफर को खाली कैसे करेंगे, बफर को ओपन कैसे करेंगे, बफर को क्लोज कैसे करेंगे। इस तरह के 15 से अधिक फंक्शंस पीएचपी ने हमें प्रोवाइड किए गए हैं। उन फंक्शंस को हम आउटपुट कंट्रोल फंक्शंस कहते हैं। मैं कुछ फंक्शंस दिखा देता हूं आपको, जैसे जैसे ओबी स्टार्ट फंक्शन है। ओबी का मतलब होता है आउटपुट वफरिंग। ओबी से जो स्टार्ट हो रहा है ओ मींस आउटपुट, बी मींस वफरिंग, तो ओबी स्टार्ट मीन्स आउटपुट बफरिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब आउटपुट बफरिंग, इस फंक्शन के थ्रू हम आउटपुट बफरिंग को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके हम उस आउटपुट
जब बफर हम स्टार्ट करेंगे तो उस बफर में रखे हुए डेटा पर फिर हम काम करेंगे, वो भी क्लीन से। हम बफर में रखे हुए डेटा को क्लीन करते हैं, मीन्स वी क्लियर, हम बफर में रखे हुए डेटा को क्लियर करते हैं एम्प्टी। तो इस तरह के 15 से अधिक फंक्शंस पीएचपी ने हमें प्रोवाइड कराए हैं, उनकी हेल्प से हम बफर में रखे हुए डेटा को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत 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 अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, आभार।